अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। तो ये देखें जी, ईद की तैयारी जोश खरोश से पाकिस्तान में भी हो रही थी। आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, और ये देखें कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह आए हुए थे और काफ़ी पुर रौनक बाज़ार हो रहा था। तो आज का भी लोग आपके साथ शेयर कर रही हैं और उनके रेट्स भी बताते जाऊँगी। इतनी कम कीमत में मिल रहे थे, ये जो हम आपको कुर्तियाँ नज़र आ रही हैं इनकी तकरीबन प्राइस 700 के बराबर थी। और इनमें से जो मुझे पसंद आई, ये वाइट कलर की बहुत पसंद थी, लेकिन ये हुआ थोड़ा सा इसमें फाल्ट था तो फिर मेरी रह गई। इसके अलावा ये सारे टू पीस सूट है जिसकी प्राइस भी आपको हैरान होंगे, 600 के, यानी कि 600 के, 650 के, इस तरीके से मिल रहे थे और काफ़ी रिजिबल थे। और ईद के हवाले से उन्होंने सेल लगाई हुई थी और सब लोग बड़े जोश व खरोश के साथ ये ले रहे थे, क्योंकि इतनी महंगाई में इतने कम रेट्स के ऊपर कपड़े मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से ड्रेसेस और ये टू पीस ड्रेसेस थे सारे, इनके साथ दुपट्टों का अरेंज करना था, लेकिन वाकई में बहुत कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी थी और बहुत प्यारे लग रहे थे। इनमें से मैंने भी कुछ सूट सेलेक्ट किए, देखे इस तरीके से ये कैजुअल आने जाने में। इसी तरीके से हमें बाज़ार में घूमते हुए काफ़ी टाइम हो गया और सारे ड्रेसेस भी हमने देखे, कुछ हमने शॉपिंग भी की थी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये तो सिर्फ कैजुअल सिंपल ड्रेसेस है जो हम आने जाने में यूज़ कर लेते हैं। बच्चों की फ्रॉकें भी थी, ये भी 3000 के करीब थी और बहुत ही अच्छी सी फ्लफी थी, इनके अंदर कैन जो होता है वो लगा हुआ था। इसके साथ ही हम मेकअप वाली दुकान पर आ गई, इस शॉप के ऊपर आए, क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी, यहाँ से कुछ भी नहीं लिया था, नेल पेंट्स वगैरह नहीं ली थी तो मैंने वो भी लेनी थी। लेकिन ये कुछ उन्होंने आई पैलेट भी दिखा दी, देखे पूरी की पूरी ये किट है, इसके अंदर आई शेड भी हैं, साथ में ब्लश और भी है, और इसके साथ साथ लिपस्टिक्स भी हैं, और इतनी प्यारी थी। लेकिन ये था कि इसका यूज़ अभी कभी किया नहीं था, जिसके लिए मुझे भी ये सही नहीं लग रहा था कि मैं, इंसान जब चीज़ लेता है तो उससे पहले चेक करता ना, चेक करके ही इसको लेना चाहिए था। लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देखा, इसके शेड वगैरह सारे चेक किए और फिर इसको लेने का प्लान बनाया, क्योंकि ये इसकी प्राइस तकरीबन 2500 या 3000 के बराबर थी और काफ़ी महंगी दे रहे थे। लेकिन ये थी कि देखिए उन्होंने ईद के हवाले से ही ये चीज़ें भी नहीं लेके आए थे, ताकि जिन लोगों ने मेकअप के प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि फ़ौरन ईद के बाद ही शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, ईद के बाद जो होती है सबकी शादियों का सीज़न स्टार्ट होने की वजह से भी सारा सामान उसी हिसाब से आता है। बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस भी आ जाते हैं और भी बहुत सारा सामान होता है, सारा नहीं होता है। मैंने कुछ आई शेड चेक किए लेकिन अच्छे थे, अच्छी तरीके से लग रहे थे, लेकिन यह है कि मैंने थोड़ा सा वेट किया, मैंने कहा नहीं अभी हम नहीं लेंगे, पहले इनको हम अच्छे तरीके से चेक कर लेते हैं। बहुत लाइट लाइट सा यूज़ किया है, इसके कलर की तो अच्छी तरीके से लग रहे थे, लेकिन यह है कि जब हम मेकअप करते हैं तब तो हमें इसके नीचे बहुत सारी बेसिस वगैरह लगानी पड़ती है, तब कहीं जाके इसका रिजल्ट निकलता है। इसी तरीके से बहुत सारे बैलेट उन्होंने दिखाए थे, ये अभी कह रहे थे कि ये चाइना से, इनके हमारी कंट्री के नहीं है, ये बाहर से आए हैं। तो ये देखें यहाँ पर इनकी प्राइस किस हिसाब से चल रही है। अगर आपकी कंट्री में ये वाले बैलेट हैं तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि वहाँ पर क्या रेट है, ताकि हमें भी अंदाज़ा हो कि हमारे यहाँ पे तो 3000 के बराबर ये मिल रही हैं और आपके पास इसकी क्या रियल प्राइस है। ये देखे ये इंडोनेशियन थे तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए थे, और ये सारी बहुत यूनिक और डिफरेंट आई बैलेट थे जो मुझे भी अच्छे लग रहे थे। लेकिन ये था कि जब भी हम मेकअप की कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उसको उसके रिज़ल्ट ज़्यादा मायने रखते हैं, ना कि उसकी बाहर की ब्यूटी रखती है। तो बाहर से तो ये बहुत खूबसूरत थे, अट्रैक्टिव भी थे, अट्रैक्शन भी आ रही थी, लेकिन ये था ये काफ़ी यूनिक और डिफरेंट लग रहे थे और ये मैंने पहली बार ही देखे थे और मुझे अच्छे भी लग रहे थे। इसके साथ साथ मैंने एक बैलेट भी लिया ताकि उसको चेक कर सकते हैं, उसके सारे शेड चेक किए। ये देखे सारी मेकअप प्रोडक्ट थी, कुछ अपनी ज़रूरत का सामान लिया, क्योंकि जब मेकअप प्रोडक्ट की तरफ हम आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती है वो ख़त्म ही ऑलरेडी होती है। तो मैंने भी यहाँ से कुछ लिपस्टिक्स और कुछ नेल पेंट्स वगैरह लिए, साथ ही जैसे लिपस्टिक्स आ गई, नेल पेंट्स आ गई तो ऑटोमेटिक ही दिल चाह रहा था कि हम भी कुछ ले लें। इनकी प्राइस भी मैंने आपको बता दी थी, तो इसी हिसाब से मार्केट में ये सारी चीज़ें अभी न्यू ली सब कुछ आया हुआ था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके अलावा ये बालों पर लगाने के लिए मेटल की सारी प्रोडक्ट हैं और ये बालों पर लगती है तो बाल वाकई बहुत खूबसूरत लगते हैं। कोई भी हम हेयर स्टाइल जब बनाते हैं पार्लर्स में बनता है और जहाँ पर हम मॉडल्स के देखते हैं तो वो इन्हीं चीज़ों को लगा के बालों को खूबसूरत सा तैयार कर लेते थे। सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो थे मार्केट में आ चुकी थी। इसके अलावा ये हेयर बैंड्स वगैरह थे और भी बहुत कुछ था। इसके अलावा रेडीमेड बच्चों के कपड़े थे और चूड़ियों का बाज़ार तो कभी आता और कभी जाता, इसी तरीके से चलता ही जा रहा था, क्योंकि ये टोटली बाज़ार है तो चूड़ियों का ही ज़्यादा ही है। लेकिन यह है कि
यहाँ पे चूड़ियाँ जितनी भी हम देख रहे थे सारी की सारी बहुत ही खूबसूरत और प्यारी प्यारी थी। पार्टीज के या वेडिंग्स के लिए यूज़ करते हैं सारे डब्बों में जितनी भी चूड़ियाँ ना, ये सारी दुल्हन चूड़ियाँ हैं जो हैदराबाद की मशहूर चूड़ियाँ हैं। यहाँ से ही बहुत सारी जगहों पर जाती है। एक बार पहले ही मैंने अपने व्लॉग में आपको चूड़ियाँ दिखाई थी, तो ये देखे बड़ी महारत के साथ ये लोग बनाते हैं और काफ़ी पूरे पाकिस्तान क्या पाकिस्तान से बाहर भी ये जाती हैं और इतनी प्यारी प्यारी ये लग रही थी। तो इधर से मैंने भी अपने लिए कुछ चूड़ियों के सेट भी लिए क्योंकि हमारी भी ईद थी, तो उसी हवाले से मैंने भी यहाँ से शॉपिंग की थी। और बहुत अच्छा आज का व्लॉग मुझे लग रहा था क्योंकि मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि ईद के ऊपर काफ़ी रौनक होता है बाज़ार और काफ़ी चीज़ें हम अच्छे दामों पे या अच्छी अच्छी खरीद भी सकते हैं क्योंकि एकदम से मार्केट पे सब कुछ नया नया सा लगता है। तो ये देखे सारी चूड़ियाँ भी आ गई सारा। आज मैंने पूरी कोशिश की कि आज के व्लॉग में मैं आपको ईद की रौनकें दिखा सकूँ, किस तरीके से हमारा बाज़ार सजा हुआ था और किस तरीके से, अभी मैं पब्लिक की तरफ अगर जाती तो वहाँ पर कैमरा शूट करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन यह था कि जो सामान था इसके ऊपर काफ़ी रौनक थी और सब लोगों ने बहुत रश लगा हुआ था, बाज़ार में घूमना भी टफ था, लेकिन मैंने काफ़ी हद तक आज के व्लॉग में आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये देखे कुछ इस तरीके से पूरा जैसे है पाकिस्तान का पूरा रौनक बाजार है ये हैदराबाद का, ये काफ़ी सजा हुआ था और अच्छे तरीके से लोग एंजॉय कर रहे थे। इसके आगे की कुछ शॉप्स के ऊपर जब मैं आ चुकी तो ये बच्चों की सैंडल्स थी, इतफाक से बच्चे मेरे साथ ही थे, मैं भी इनमें से सैंडल्स भी मैंने लेनी थी, उनको मैं से पसंद भी की थी, बहुत प्यारी प्यारी ये लग रही थी क्योंकि इनकी भी वरायटी सारी न्यू न्यू आई थी। ये देखे कुछ इस तरीके थी, इनकी भी प्राइस थी 700। साथ ही ये देखे कितनी प्यारी प्यारी सैंडल्स थी, इनमें से मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी और प्यारी लग रही थी मैंने वो निकलवाई थी। देखिए ग्रे कलर पर कितनी खूबसूरत है और उसकी प्राइस भी 650 यानी कि 650 की थी ये, और ये कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत ये इसका लग रहा था डिज़ाइन, ये वाली मैंने ली थी। और इसके अलावा और भी प्यारी प्यारी थी सारी की सारी, तो हम ले नहीं सकते थे लेकिन जो पसंद आ रही थी वो तो हमने लेनी ही थी। तो ये देखिए सारे न्यू डिज़ाइन थे और जब अचानक से हम बाज़ार जाते हैं तो तब तो हमें अचानक से एकदम से चीज़ें नहीं दिखाई देती, लेकिन आज खास पैन से आए थे क्योंकि ईद के वैसे सामान नहीं आना था तो हमने ले लिए। कुछ बैंगल्स भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चूड़ियों का बाज़ार तो कंटिन्यूली यहाँ पर चलता ही रहता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद चूड़ियों का बाज़ार स्टार्ट हो जाता है। ये क्लॉथ मार्केट है हैदराबाद की, और ये देखिए ये चूड़ा है जो दुल्हन इनके ब्राइडल के लिए होता है, ये एक इंडियन चूड़ा जिसको कहते हैं, ये वो है जो शादी के वक्त पहना जाता है, ये कितना खूबसूरत है। इसी के अलावा ये गोल्डन आर्टिफिशियल चूड़ियाँ हैं क्योंकि सोना कहते हैं बहुत महंगा है, तो भाई आर्टिफिशियल पहन लो, इससे ये हो जाएगा कि हम लोग जो है हमारे हाथ भी खूबसूरत हो जाएंगे और हमें सफ़र में आसानी भी हो जाएगी आने जाने में पहनने में। तो इतनी प्यारी प्यारी थी, इसमें से एक सेट मेरे पास भी था, मैंने भी लिया था, आज का लोग अच्छा लगा।